वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ध्यान से सीखना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जहां भी चमकेगा वहां पर नहीं दिखेगा। खुश वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये मेरा ब्राइट फ्यूचर का लोगो, इसको नीचे कर देते हैं ताकि हम भी देख पाए कि आप स्क्रीन में क्या देख पाए। मान लो ये आपका एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का आपने अभी बस एक्स और वाई एक्सिस बनाया, वीटी ग्राफ कहेंगे इसको, और ये हमने कोई ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अगर आपको बोलता है दो टाइम के बीच में एक्सेलरेशन निकालने, तो उसको कहते हैं आप एवरेज एक्सेलरेशन। मान लीजिए एक टाइम आपका यहाँ है t1 टाइम पे आपका पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, ग्राफ में देखेंगे t1 टाइम पे कहाँ टच कर रहा है, तो पता चला कि भाई वेलोसिटी उस समय है v1। देखा आपको t1 टाइम पे वेलोसिटी है v1। ठीक उसी तरह से कुछ समय बाद हम लोग चेक करते हैं टाइम t2 पर, t2 टाइम पे यहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है, तो इस पॉइंट का नाम अगर हम लोग देते हैं a, इस पॉइंट का नाम देते हैं b, तो ये पॉइंट आपको दिख रहा है, या पाले के पॉइंट को, ये बात के पॉइंट को बी का नाम देने का आपको शौक है तो वही करेंगे। ये ए, ये बी, ये यहाँ पे आपका वेलोसिटी बदल के कुछ हो गया v1 से बदल के v2। आप ग्राफ देख रहे हैं ए और बी दो ऐसा पोजीशन मिला ग्राफ पे जो एक t1 टाइम पे था, t2 टाइम पे। ए पे वेलोसिटी v1 था, बी पे वेलोसिटी v2 था। अब ए और बी ये एक आर्क की तरह है, ए बी को मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो वो बनेगा कॉर्ड। देखे कॉर्ड बनाते हैं, ये दोनों को मिलाकर आप सीधा खींचा आपने, ये पॉइंट का नाम था ए, ये पॉइंट का नाम था बी है, ये यहाँ पे कट करेगा कोई ना कोई एंगल थीटा बनेगा। अगर आप गौर करो यहाँ पे भी हम एक लाइन ऐसे मिलाते हैं तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, बनेगा ही बनेगा क्योंकि पैरेलल लाइंस है। ए बी इसका नाम हम दे दिए सी, सी से बी की लंबाई, सी से बी की लंबाई, गौर करिए आप, ये पूरा v2, ये v1, तो ये कितना बचेगा v2 - v1, v2 से v1 माइनस करेंगे तो वो बचा a से c की लंबाई, a से c की लंबाई कितना है t2, कितना है t1, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना आ जाएगा t2 - t1। इन राइट एंगल ट्रायंगल, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हो ACB, इस ट्रायंगल में tan ऑफ थीटा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस CB/CA। आपको पता है जब भी किसी ट्रायंगल में आप tan थीटा निकालते हो, कह रहे होते हो स्लोप निकाला आपने, दैट मींस ये स्लोप है, स्लोप मींस कौन सा थीटा, tan थीटा, tan थीटा हो गया CB/CA। CB का वैल्यू कितना हो गया v2 - v1/CA का वैल्यू t2 - t1। पता है v2 - v1 और t2 - t1 जो आप लिख रहे हैं, v2 - v1 हो गया चेंज इन वेलोसिटी, इसको आप लिख सकते हो डेल्टा वी, और t2 - t1 को लिख सकते हैं चेंज इन टाइम, दैट मींस ये हो गया डेल्टा टी, स्लोप यानी टैन थीटा आपका ये आया, और डेल्टा वी बाय डेल्टा टी किसका फॉर्मूला होता है, ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, यही आपको आया एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, एवरेज एक्सेलरेशन पूरा नाम। तो आप देख लो यही तो आपका डेल्टा वी बाय डेल्टा टी जो टैन थीटा है वही तो एक्सेलरेशन होता है। मतलब रूल क्या हो गया, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब दो टाइम के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन निकालने बोले तो उन दो टाइम का पोजीशन चेक कर लो ग्राफ में कहां कहां वो टच कर रहे हैं, जहां भी वो टच कर रहे हैं उनको लेके स्ट्रेट लाइन खींचो, उसको कहते हैं कॉर्ड। एक आर्क में जैसे कहते हैं एक सर्कल में कॉर्ड आप खींचो, यही कॉर्ड की तरह है, ये कॉर्ड हुआ, तो ये जो कॉर्ड ए बी बनाना, वो जो भी एंगल एक्स एक्सिस बनाता है उसका स्लोप, स्लोप मतलब कौन सा थीटा, टैन थीटा जब निकालोगे वही एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी आपका रूल बन गया, या कह सकते हो कि पहला नियम यही है। क्या है नियम, स्लोप, SLOP, स्लोप लिखा है हमने, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ, इससे पहले आपने एक्सटी ग्राफ या एसटी ग्राफ सीखा था स्लोप के केस में, वीटी ग्राफ का एरिया अगर निकालोगे तो वो डिस्टेंस देगा, वो आप सीख चुके हैं, अब स्लोप पे बात हो रहा है, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इन वीटी ग्राफ gives average acceleration। ध्यान रखिएगा आप, ये पहला आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए। कभी भी किसी भी ग्राफ में आप अगर दो टाइम दिया हुआ है वीटी ग्राफ में और उसके दोनों पॉइंट पोजीशन को लेकर आप स्ट्रेट लाइन खींचते हो और उसका स्लोप निकालते हो, तो वही स्लोप आपको देता है एवरेज एक्सेलरेशन।
एवरेज एक्सप्लेनेशन, नियम हम बता रहे हैं तो सीख लो, उसके बाद आपका सेकंड मीटिंग और आराम से समझ में आएगा, पहले इसको आप सीख लो कि जरूरी है। अगर मान लीजिए फिर से आपके पास एक साइड टाइम एक साइड वेलोसिटी है, ये पहला नंबर के बाद ये दूसरा नंबर पे आए हम लोग, एक साइड टाइम एक साइड वेलोसिटी है, और इस बार दो टाइम ना बोल के सिर्फ एक टाइम पे बोले। जब सिर्फ कोई एक टाइम टी पे बोलता है एक टाइम टी, तो उस टाइम पे ग्राफ जहां भी टच हो रहा हो, इस पॉइंट पे टच हो रहा है, मान लो दो पॉइंट था तो कॉर्ड बनता था, एक पॉइंट होगा तो टेंजेंट बनेगा, जो इसको टच करता हुआ था, जस्ट टच करता हुआ जाए टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट बना, ये जो भी एंगल यहाँ बनाएगा थीटा, इसका जो भी स्लोप होगा वो आपको एक्सेलरेशन देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलो या आप एक्सेलरेशन बोलो। इसका मतलब आपने क्या सीखा, इसका मतलब नॉर्मल यही है कि किसी भी ग्राफ में, वो भी वीटी ग्राफ में, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ग्राफ जहां पे भी टच होता है उसका एक टेंजेंट खींच दो, बिल्कुल टच करते हुए लाइन जाए, उसका जो स्लोप होगा वही कहलाएगा उसका एक्सेलरेशन। यानी यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट at A gives acceleration. Slope of the tangent at A gives what? Acceleration. Graph number तीसरा, अगर मान लीजिए फिर से हमने graph draw किया, इधर साइड हमारा time है और this one is your velocity, और graph ऐसा बन गया, इसका मतलब है कि अगर हम शुरुआत के टाइम पे चेक करें यहाँ पे कहीं, तो स्लोप कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा और आगे हम टाइम बढ़ाए, अभी शुरुआत ये टाइम था, अभी ये टाइम पे ग्राफ पे यहाँ है, यानी ऐसा स्लोप हुआ। गौर करते जाओ आप कि शुरुआत का एंगल थीटा वन, बाद का एंगल थीटा टू और बाद में थीटा थ्री, समय के साथ एंगल बढ़ते जा रहा है, देख रहे ना, इसका जो झुकाव है वो बढ़ते जा रहा है, उठते जा रहा है ये। तो सेंस थीटा इज बढ़ता जा रहा, थीटा इज इंक्रीजिंग, और कभी भी थीटा अगर बढ़ेगा इसका मतलब होगा कि टैन थीटा भी इंक्रीज कर रहा है, और टैन थीटा ही आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है मतलब ये क्या नहीं है, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है मतलब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर कहीं पे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 2t, इसका मतलब है कि टाइम अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक सेकंड होगा तो दो होगा, दो सेकंड में चार, ये एक्सेलरेशन इंक्रीज करता जा रहा है, उसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, और ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसीलिए आपका सारा एंगल देख लो एंटी क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज घड़ी की उल्टी दिशा में शुरू चलने वाले डायरेक्शन में जब भी आपका एंगल होता है ना, वो एंगल आपका पॉजिटिव एंगल होता है, देख रहे हैं, ये भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, आपको पता है एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी घटाता है, याद रखिएगा दो तरह का एक्सेलरेशन है। आप लोगों ने कोई फोन किए होंगे आपको, हेलो हेलो, गलती नहीं है, गलती मेरी। खैर, दो ग्राफ आपको दिख रहा है, अभी आपको हम समय देंगे पूछने का, पहले आपको बता लीजिए ग्राफ, फिर आपको जिस ग्राफ में डाउट होगा नंबरिंग वाइज आप पूछिएगा हाथ रेज करके, ऑब्वियसली बात है ग्राफ जब तक और न्यूमेरिकल नहीं सीखेंगे आप सीख नहीं पाइए। नेक्स्ट ग्राफ नंबर, ये सारा ग्राफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन का है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो वो देता वेलोसिटी, याद है, बिना प्रैक्टिस आप देखिए आप कंफ्यूजन क्रिएट होगा क्योंकि आप दो तीन चीज सीख गए। नेक्स्ट ग्राफ नंबर 4, अगर आपको कहीं पे ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ लाइक दिस, इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन है, गौर करो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, कहीं से बना दिए, अगर इसका थीटा चेक करेगा तो थीटा हर जगह है कॉन्स्टेंट, थीटा हर जगह है कांस्टेंट, और अगर थीटा कांस्टेंट है इसका मतलब है कि टैन थीटा भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब ये, अभी आप हर जगह एंगल चेक करें तो एंगल बढ़ते जा रहा था ना, इस जगह आप कहीं भी एंगल चेक कीजिए एंगल नहीं बढ़ेगा, एंगल क्या रहेगा, एंगल कांस्टेंट बना रहेगा,
यहाँ पे चेक करो, यहाँ चेक करो, ध्यान देगा वही लाइन है। और टैन थीटा कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन भी होगा कांस्टेंट, मेरी बात समझिए, एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब पार्टिकल का स्पीड बढ़ ही रहा है, कितने रेट से बढ़ेगा वो हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से। कई लोग एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोल के बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, नहीं, यहाँ भी पार्टिकल का स्पीड बढ़ रहा है लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी काफी तेजी से बढ़ेगा और यहाँ पे एक रेट से बढ़ेगा, हर बार 10-10 से ही बढ़ेगा, हर बार जो भी रेट है उसी से बढ़ेगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है, और कांस्टेंट भी है और साथ ही साथ एक्सेलरेशन क्या है बताओ, पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है, और इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और अगर नंबर ग्राफ नंबर 5, अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर से हमने बनाया, दिस वन इज योर वेलोसिटी, दिस वन इज योर टाइम, और इस बार आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, देख रहे हैं ग्राफ कुछ इधर से है, यानी अगर आप एंगल देखोगे तो आपका एंगल कुछ ऐसा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल था, ये क्लॉकवाइज है। इस बार आपका थीटा जो है फिर से कांस्टेंट है, नो डाउट, थीटा जो है वो फिर से कांस्टेंट है, CONST कांस्टेंट, और थीटा कांस्टेंट होगा तो टैन थीटा भी पूरी तरह से कांस्टेंट होगा, होगा, और टैन थीटा कांस्टेंट होगा, लेकिन टैन थीटा कांस्टेंट के साथ और क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज है, और इसीलिए एक्सेलरेशन भी आपका नेगेटिव एंड कांस्टेंट होगा। नेगेटिव होना एक्सेलरेशन, कांस्टेंट है मतलब एक समान रेट से वेलोसिटी घटते जा रहा है, जैसे कोई पत्थर नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो कैसे उसका स्पीड कम होता जाता है, तो जीरो हो जाता है, उस समय जी नेगेटिव काम कर रहा होता है। ये सब छोटा बात है, आपको समझ में आ भी रहा है, वीटी ग्राफ आप एक्सटी ग्राफ देख चुके हैं, फिर भी न्यूमेरिकल में ये चलाते रहिएगा, अभी देखिए आपको हम कंफ्यूज करेंगे, इसलिए प्लीज ये सीखने का चीज है, उड़ा नहीं सकते हैं, तो स्कूल में टॉपिक देखिए कितना फास्ट उड़ाया था। हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो प्लीज बोलिए, ये देखो इस बार इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है, और ग्राफ ऐसा है सीधा लाइन, अगर ग्राफ पैरेलल लाइन है, देखो ये कुछ एंगल बन रहा है 45 डिग्री, सीधा कर देंगे 90 डिग्री, मान लो कुछ कम होकर 30-20 पैरेलल हो गया तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, जीरो। इस ग्राफ में साफ दिख रहा है कि थीटा जो है वो जीरो है, और थीटा जीरो मतलब टैन थीटा, टैन जीरो भी जीरो होता है, और टैन जीरो जीरो मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, जीरो। और इस ग्राफ को देख के हम क्या समझेंगे, पार्टिकल क्या चीज में है, तो आप में से कई लोग के मन में आ गया पार्टिकल रेस्ट में है, नहीं, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब पार्टिकल रेस्ट में नहीं होता, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है, ध्यान से, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है, देखो वेलोसिटी जीरो रहा तब पार्टिकल रेस्ट में, गाड़ी चला रहे हैं, अब एक्सेलरेटर देते ही रहेंगे चाहे ब्रेक मारते ही रहेंगे, कभी अगर स्टेबल है तो गाड़ी रुक जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव वेलोसिटी घटेगा, अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं तो वेलोसिटी जितना है उतना ही रहेगा, यानी इस बार आपका वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगा बता दो, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। आपको हम 6 ग्राफ दिखाए हैं, स्क्रीनशॉट या बना लो जो भी करना है, और एक एक करके आप डाउट पूछो इसमें से, क्योंकि हम सवाल बताएंगे तो डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल में सिखाएंगे बहुत बढ़िया से क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल आप अपना डाउट पूछो, एक करके हाथ उठाओगे या इसका स्क्रीनशॉट लगाएगा, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, न्यूमेरिकल में भी हम और समझाएंगे।
इन्हें हाथ रेज किया किया क्या नहीं हाथ किसने का रेज ओ है मेघा मेघा का हाथ रेज है हाँ मेघा बोलो बाबू व्हाट्सएप पे मैसेज किया भैया देखिए ना तुम्हें आया है अभी कंफ्यूज है आपको किसने करते दोनों में से तो किसी ने नहीं मेघा कोई मैसेज नहीं आया है मेरे ख्याल से आया आगे 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 अगर एक्सेलरेट पर लेकर ब्रेक रहेगा यानी कि तब तो बॉडी रेस्ट में है ना आप बाइक को कितना भी एक्सेलरेट कर रहे हो मेघा ध्यान देना हाँ भैया अगर आप बाइक को एक्सेलरेट कर रहे हो और ब्रेक लगाए हुए हो तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा ये कहना चाह रहे हो है ना हाँ वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं है तो याद रखिए वहां दो फोर्स काम कर रहा है एक फोर्स आगे एक फोर्स पीछे दोनों मिलके नेट फोर्स कितना कर दे रहा है जीरो तो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो है ना और एक्सेलरेशन जीरो है तो वहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स आपका काम कर रहा है वहां फ्रिक्शन है और भी कई चीजें हैं अभी वो सब चीज को हम नहीं यहाँ कंसिडर कर रहे हैं इसलिए वो बात को हम नहीं बोल रहे ठीक है अभी फिलहाल आपको मानना है एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी भी वेलोसिटी क्या होगा फिलहाल कांस्टेंट हाँ ये बोल रहे हैं आप कि अगर वेलोसिटी शुरुआत में जीरो है अगर ब्रेक मारे हुए तो वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन आप ले रहे हैं आगे ब्रेक लगाए हुए तो नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो अगर गाड़ी रुका हुआ है तो गाड़ी रुका हुआ रहेगा वही है जो वेलोसिटी होगा वही कांस्टेंट है फिलहाल गाड़ी रुका हुआ है तो वेलोसिटी जीरो है तो जीरो ही कांस्टेंट है रुका ही रहेगा एक्सेलरेशन फिर जीरो रहेगा ना अगर एक्सेलरेशन जीरो है हाँ बिल्कुल जीरो रहेगा नेट फोर्स जीरो दो फोर्स है वहां दोनों का अपना अपना एक्सेलरेशन है ध्यान रखिएगा लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा एक ब्रेक का फोर्स अपोजिट और एक एक्सेलरेटर का तो नेट फोर्स जीरो नेट एक्सेलरेशन जीरो तो बाइक आपका शुरुआत में रेस्ट में है जब आप रोक के ही काम कर रहे हैं ना ब्रेक लगा के रोक के चलेगा तो आपका रोक के ही करिएगा ना ब्रेक या तो ब्रेक लगेगा तो एक्सेलरेटर लीजिएगा दोनों पे तो गाड़ी रुका हुआ रहेगा तो वही कांस्टेंट के रुका ही रहेगा जब तक एक्सेलरेशन जीरो है वेलोसिटी कांस्टेंट है ठीक है भैया थर्ड वाला ग्राफ फिर से बताइए ना इसमें ना ये ग्राफ लाग रही हो इसमें कंफ्यूज हो क्या हाँ इस दोनों को तुम सोच रहे हो कि सेम जैसा है इस ग्राफ में नहीं इस ग्राफ में क्या है ये दो टाइम के बीच में लिए ओवरऑल और इसमें अलग अलग टाइम पे चेक कर रहे हैं जैसे 2 बजे यहाँ थे 3 बजे यहाँ आ गए 4 बजे यहाँ आ गए तो हर एक टाइम पे अगर चेक करना है तो हम क्या खींचते हैं टेंजेंट एक टाइम पे अगर चेक करना है टेंजेंट 2 बजे चेक करने बोला तो 2 बजे टेंजेंट खींचे 3 बजे बोला तो 3 बजे टेंजेंट खींचे 4 बजे बोला तो 4 बजे टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट ऐसा होते जा रहा है यानी एंगल ये देखो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है एंगल बढ़ रहा है मतलब टैन थीटा बढ़ेगा और टैन थीटा ही तो एक्सेलरेशन देता है मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा आज मन में फिर से पूछो ना क्या डाउट हुआ इसमें यस सर आ गया ओके नहीं आया तो फिर से पूछ सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर आ गया आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग अब ध्यान से सुनिएगा आपको पता है कि सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट आया ऑब्वियसली बात है पहले पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट आया पहले आया डिस्प्लेसमेंट देन उसके बाद आया क्या वेलोसिटी क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया तो वेलोसिटी मिला नॉर्मल देसी भाषा में सीख रहे थे और वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया आपने तो मिला आपको एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी ही होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम
देखो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो, और अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है, एक्सेलरेशन का नेट एक्सेलरेशन जीरो, आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है जहां पे वेलोसिटी तो जीरो हो गया लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। समझ में आया? फिर से बोलते हैं, वेलोसिटी जीरो होने पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है जहां वेलोसिटी तो जीरो हो गया लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है जहां वेलोसिटी तो जीरो हो गया पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। सोचिए, कोई बता सकते हैं कोई ऐसा एग्जांपल डेली लाइफ में जहां वेलोसिटी तो जीरो हो गया पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता? बताइए कोई भी एग्जांपल, हाथ रेज कीजिए। ये सवाल आपको आता है इसीलिए एग्जाम में आए, गए टीचर डिस्कस करेंगे। कोई नहीं, इतने लोगों में कोई नहीं बताएगा, हम बताते हैं ना अभी आप। हाँ, राजकृष्णा बताना चाह रहे हैं, वेरी गुड। बोलिए राजकृष्णा, किस केस में? दीदी से पूछ के नहीं बताना है। हाँ भैया, जब कोई सामान जमीन पे गिरा रहेगा तब उसका एक्सेलरेशन तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा ना, जमीन पे, बट वेलोसिटी जीरो रहे। उस पे दो फोर्स लगेगा, जमीन भी एक फोर्स लगाता है, उस समय नेट फोर्स जीरो हो जाता है। जमीन भी जहाँ बॉडी टच होता है वो एक नॉर्मल फोर्स लगता है, तो वो अभी आप नहीं पढ़े, तो नॉर्मल फोर्स लगता है, फोर्स ऊपर वो और वेट का अलग, तो दोनों मिलकर जीरो हो जाता है, नेट फोर्स जमीन पे आ जाता है कॉन्टेक्ट में। तो ये एग्जाम्पल से नहीं कर पाएगा आप, कितना थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। जमीन भी एक फोर्स लगाएगा ना ऊपर की ओर, जैसे हम जमीन पे खड़ा है तो अगर हम ही फोर्स लगाते जमीन नहीं लगा तो जमीन को फाड़ के हम नीचे जा रहे होते, है कि नहीं? ये ध्यान रखना है कि तुम लगे, ठीक है राज? और एग्जांपल, और किन्हीं के पास एग्जांपल नहीं है? एक एग्जांपल हम बताते हैं, देखो ये पेन को अगर हम ऊपर की ओर फेंके, तो ऊपर की ओर फेंकेंगे जब इस पेन को या कोई पत्थर को ऊपर की ओर फेंकोगे 50 का स्पीड, तो इसमें हमेशा एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी ऊपर जा रहा है 50 40 30 20 10 0, यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो हो गया, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगा ना, जितना दूर गया गया जाते तो नहीं चला जाएगा, एस्केप तो करवा नहीं रहे आप, तो वेलोसिटी हो गया जीरो। अब जब यहाँ पे वेलोसिटी हो गया जीरो तो भी इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी काम कर रहा है, बच्चा गोद में खिला रहे छोटा बच्चा को उछाल के ले उठने के ऊपर, वेलोसिटी जाके बाद जीरो हुआ, वहीं पर आ गया बच्चा, बुलाना पड़ा सीढ़ी ला, नहीं, कहने का मतलब ये वेलोसिटी पहले जीरो हो गया लेकिन जी हमेशा एक्ट करते रहता है, और यही वो केस है जिसमें वेलोसिटी जीरो हो जाए तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो नहीं हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो रहा है। तो आप याद रखिएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी में हाईएस्ट पॉइंट पे जब कोई पार्टिकल होता है जहां पे वेलोसिटी जीरो होता है फिर भी एक्सेलरेशन काम करता रहता है। क्या पहला सवाल लिखेंगे, संकेत से ही कोई सवाल देते हैं आपको, संकेत कहाँ गए? यहाँ गए। From the given velocity time graph, plot acceleration versus time graph. From the given velocity time graph, plot acceleration versus time graph. Also plot displacement versus time graph. Graph बना रहे हैं, displacement versus time आपका homework हो जाए, तो वो आपको पढ़ा चुके हैं, acceleration time तो बता भी दें। देखिए graph ऐसा चीज है जो थोड़ा मेहनत खोजेगा आपसे, जाके भी आपको
कितना भी बता दे, अगर आप घर पे खूब प्रैक्टिस खुद से नहीं कीजिएगा ना, रुका होगा आपके साथ। सेकंड मीटिंग आज इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप कैलकुलस में जैसे प्रूफ बताने वाले हैं, उसको मिस मत कर दीजिएगा। सेम आईडी सेम पासवर्ड से सेकंड मीटिंग ज्वाइन होगा, सेम आईडी पासवर्ड पे जैसे हर दिन क्लिक करते हैं वैसे ही। कोई भी अपना डाउट कभी भी पूछ सकता है। ग्राफ आपका प्लॉट हो चुका है। ये ग्राफ है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, इसको देख के आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है मेरे लिए। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। हाँ, मेरा हाथ रेज करो एक बार फिर से, कोई डाउट था तुमको, हम दिख जाएगी तुम स्क्रीन पे तब। हाँ नहीं भैया, वो एग्जांपल बता रहे थे, जब अगर कार रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उस समय उसका वेलोसिटी जीरो रहता है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं रहता है। देखिए, जब आपका कार रेस्ट से स्टार्ट होता है ना, तो जिस समय आप, लेकिन ये एग्जांपल आप मत, इस पे हम लोग बात करेंगे जब फोर्स में आएंगे तब हम लोग बात करेंगे। भले इसको बोल दिया हो, इसको अभी मत मानिए, उसके ऊपर बहुत बात करें, कैसे उस पर नेट फोर्स जीरो था, क्या होता है, वो बात करें। ठीक है, ठीक है भैया, इसको बना के दिखाइए जल्दी से। ये है आपका वीटी ग्राफ, कॉपी में इसको बनाइए। हर चीज स्क्रीनशॉट से काम मत चलाइए, आलसी कोरिया लोग, जो एक बार भी पेन नहीं चलाया हुआ महा कोरिया, वैसे लोग धरती पर बोझ, अपने आप को 2-3 बात और कर लो, जो अभी तक क्लास में आज पेन नहीं चलाया, अभी तक इसको भी नहीं बनाया, स्कूल सुधा स्क्रीनशॉट से काम चला लेते हैं। फोन बना के प्रैक्टिस करेगा, बेड पे लेटे हुए मेहनत कौन करे, तो जीवन भर ऐसा ही रह जाओ। तब प्यार से बोले, इसको दिल पे लेना है तो बर्बाद हो जाएगा। इंक भी भर लेते हैं, आपका ग्राफ बन चुका हो तो प्लीज हाथ रेज करेंगे, जिनका वीटी ग्राफ देख के एटी ग्राफ बना है, क्योंकि ये पहला सवाल है एक्सप्रेशन टाइम, इसलिए हम सिखाने जा रहे हैं। मौसम अजीब है, गर्मी भी लग रहा है, ठंडा भी लग रहा, थोड़ा बारिश भी हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा मौसम है। है तो है, बना कि नहीं कहा, नहीं बना तो देखिए ध्यान से, ये वीटी ग्राफ को देख के हमको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। रेड मार्कर किधर गया मेरा, यहाँ है। सेम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बजाय इस बार आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम दिख रहा है, कि एक्सेलरेशन का टाइम के हिसाब से बताना है। जैसे ये आपको 2 सेकेंड पे है, ये आपको 4 सेकेंड पे है, ये आपको 6 सेकेंड पे है, देन नेक्स्ट वन इज योर फ्रॉम 8 to 10 to 12 आ गया आपका सारा ग्राफ, या टाइमिंग से गौर करो आप, 0 से 2 के बीच में स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है ना, 0 से 2 सेकेंड के बीच में थीटा कांस्टेंट है, तो टाइम थीटा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए ऑब्वियसली बात है थीटा कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, टैन थीटा, परपेंडिकुलर कौन बेस,
10 by 2, that means 5 meter per second square. तो 10 है meter per second में, वो है second में, तो meter per second square ही होगा. यानी ये plus में क्यों हुआ? क्योंकि ये anti clockwise है. यानी ये value 5 meter per second square होगा. यानी कि 0 से 2 था. ये 0 से 2. लिखा straight आया. ये है 5. acceleration in meter per second square. ऐसे डॉटेड लाइन कर दिया, लाइन ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन, मतलब एक्सीलरेशन 5 ही है कांस्टेंट. उसके बाद 2 से 6 सेकंड तक, 2 से लेकर 6 सेकंड तक के लिए थीटा जो है वो 0 है. और थीटा अगर 0 है, इसका मतलब अनुभव ने कुछ बनाकर भेजा है ग्राफ से, चेक कर लेंगे अनुभव. थीटा अगर 0 है तो tan 0 0 होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी 0 होगा, एक्सेलरेशन भी 0 होगा. लेकिन देखिए वेलोसिटी 0 नहीं हुआ, वेलोसिटी 10 था. आया समझ में? तो एक्सेलरेशन 0, तो 2 से लेकर 6 तक कोई ग्राफ ही नहीं बना, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 था. अब 6 से 8 चेक करिए, 6 से 8 सेकंड तक का ग्राफ, 6 से 8 सेकंड तक का ग्राफ चेक करिए. 6 से 8 में ये देखिए थीटा कांस्टेंट तो है, लेकिन इस बार थीटा क्लॉकवाइज है. आपका क्लॉकवाइज एंड कांस्टेंट है, तो आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 बाय 2, यानी ये आया 5. लेकिन साइन क्या लगाएंगे देखिए गौर से, माइनस. देखो वेलोसिटी घटते जा रहा है ना, कहां वेलोसिटी 0 शुरुआत हुआ था, ये भी है वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 10 पहुंचा था, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट था. ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन 5 का है, मतलब हर सेकंड 5 से बढ़ेगा, तो 5 5 2 सेकंड बाद 10 ही हो जाएगा. देखो 5 सेकंड 10 हो गया, उसका कांस्टेंट रहा 10, एक्सेलरेशन 0 ना घटा ना बढ़ा. अब वेलोसिटी घटते घटते 0 हुआ, यानी एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो इस बार एक्सेलरेशन हुआ -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यानी 6 से 8 के बीच में तो -5, ये 6 से 8 सीधा लाइन. आपको डॉटेड लाइन समझाने के लिए ये हुआ आपका ग्राफ. अच्छे से आप नेक्स्ट वन, 8 से 10 के बीच में क्या होगा, ध्यान से देखिए कि 8 से 10 दिख रहा है आपको, 8 से 10 ट्रायंगल का नाम देखिए 8 से 10, और बताइए कि इस बार आपका ग्राफ क्या होने के चांसेस ज्यादा हैं. देखिए इस बार आप ये एंगल है, दिख रहा है क्लॉकवाइज एंगल, क्लॉकवाइज tan थीटा लिखने में खाली क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, परपेंडिकुलर और बेस लिखने में साइन मत देखिएगा, सिर्फ वैल्यू देखिए. इस बार आपका tan थीटा कितना होगा, वैल्यू भी लिख रहा है पहले तो.